जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतिहाता स्थित कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने और संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन 22 नवंबर को मनाया जाएगा। रवि के फसल की खरीद चल रहा है, लेकिन किसानों को खाद बीज अधिकृत सेंटरों से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। धान खरीद हेतु क्रय सेंटर में पेपर में खानापूर्ति किया गया है। क्रय सेंटर पर बिचौलियों के माध्यम से सरकारी धन का बंडरबांट हो रहा है। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, सांसद प्रवीण कुमार निषाद, जवाहरलाल मौर्य, अवधेश यादव, शारदा देवी, यशपाल रावत, मिर्जा कदीर बेग, रामनाथ यादव, पंकज शाही, श्याम देव निषाद, दयानंद अनुप्रसाद, प्रमोद यादव, रूपावती बेलदार, संजय पहलवान, रवि प्रताप, शकील अंसारी, राघवेंद्र तिवारी, राजेश यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुप्ता का बकाया होता है तो सबसे पहले उसको नोटिस दी जाए और नोटिस के बाद अगर उनका बकाया वो नहीं पूरा करते हैं, सभी लोगों का जनता का होता है तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। हमारे 28 सेक्टर है, सेक्टर वार बैठक कर किसानों के लिए जारी हुआ था कि धान बेचने के लिए सभी लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिसका सरकार ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, ना जिला स्तर से ना प्रदेश स्तर से। काफी किसानों को इसको जानकारी नहीं हो पाई कि हम अपने धान बेचने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करा सकें, जिसके कारण लगभग 80% किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, जिसके कारण भी धान केंद्रों पे उन किसानों का नहीं लिया जा रहा है और व्यापारी होने वाले दाम पर किसानों का धान खरीद रहे हैं। इसकी मांग हम लोग जिला प्रशासन से करें कि जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं जानकारी के अभाव में, ये प्रशासनिक और सरकारी लापरवाही है। और जो भी खाद का दाम बढ़ा है, एक तो यूरिया खाद उसमें 5 किलो कम भी कर दिया गया है, दाम वही है, 5 किलो कम कर दिया गया है और दाम भी कुछ बढ़ा दिया गया है। इन तीन मांगों को किसानों के हित में हम लोग चाहिए, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष जी हम चाहेंगे कि उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर के प्रमुख चौराहों पे होर्डिंग भी लगना चाहिए कि 18 तारीख को समाजवादी पार्टी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न समस्याओं को लेकर मेडिकल कॉलेज से कमिश्नरी कार्यालय तक पैदल मार्च करेगा, जिसका प्रचार जनता में व्यापक रूप से होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम हो जाएगा, अखबार में छप जाएगा और ग्रामीण स्तर पे हमारे जो आम नागरिक है उसको गांव का हौसला बढ़ने का काम हो। ज्यादा कुछ न करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने जिले की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, शिक्षक समुदाय की तरफ से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को स्वागत करता हूँ और उनको हाथ अभिनंदन और बधाई। मेरे सशक्त को प्रदेश सचिव बनाया, पहले मैं यह कहते थे एसपीएम के महीने तिवारी पूर्व प्रत्याशी मंत्री मैं बारक मार के क्या बना सी ने बम फेंका था तो हमें 14 दिन का फेंक करके जाते हिंसाचार में पड़ गए, कैसे प्रदेश पहुंच गए, लेकिन इस भावनाओं का उनके विचार का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चाहिए कर सकते हैं तो उनके विचार